असम में परिसीमन को लेकर चुनाव आयोग की टीम अब से कुछ ही देर पहले गुवाहाटी पहुंची। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में ये टीम पहुंची है। ये टीम 28 मार्च तक यहीं ठहरेगी। इस दौरान ये टीम विभिन्न दल संगठन, नागरिक समाज और राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगी और उनसे सुझाव लेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाले टीम में दो चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी शामिल हैं। चुनाव आयोग की टीम कल सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेगी और उनसे परिसीमन के संबंध में सुझाव लेगी। इसके अलावा 27 मार्च को ही आयोग की टीम दोपहर 1 बजे से नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक करेगी। 28 मार्च को आयोग की टीम पत्रकारों को संबोधित करेगी। Sir, a brief statement on your visit, sir. Just to know everybody's views, and we'll meet you day after. Sir, right? What is the representation like you to be? We'll meet you day after. Let us hear the representatives first. Okay. Thank you. Namaskaram. तो ईसीआई की टीम गुवाहाटी पहुंच चुकी है और परिसीमन को लेकर विभिन्न दल संगठनों के साथ इस दौरान सलाह मशवरा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में ये टीम पहुंची है। ये टीम 28 मार्च तक यहीं ठहरेगी और इस दौरान ये टीम विभिन्न दल संगठन, नागरिक समाज और राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगी, उनसे सुझाव लेगी, जिसके बाद 28 मार्च को बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। सर 26 तारिखे निर्वाचन एक दल आमार जी समस्ती कथा बीजेपी दल के বিজেপির সাধারণ দাবি থাকিব 6-7টা। আমার রাজ্যিক সভাপতি মহোদয় আপনার জানাব, আমারও দলে ইলেকশন কমিশনক লগ করব। আমার যেখানে মনের ভাব যে এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় আমার অসমৰ জাতি মাটি ভেটি রক্ষাত সহায় হব লাগে, সেই ধরনের আমি স্মারকপত্র প্রস্তুত করেছো, আমি স্মারকপত্রখন দিম।